आज हम आपको बताएंगे कि देश के सबसे बड़े चोर मार्केट के बारे में, जो माया नगरी में मौजूद है। इसे सीक्रेट मार्केट के बारे में भी जाना जाता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं देश के सबसे बड़े चोर बाजार के बारे में। मुंबई में एक ऐसा मार्केट है जो पिछले कई दशकों से तड़के 4 बजे लगता है और सुबह 8 बजे तक बंद हो जाता है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े चोर बाजार फेमस कमाठीपुरा इलाके के डेढ़ गली बाय खला में लगने वाले सीक्रेट मार्केट की। ऐसा बताया जाता है कि इस मार्केट की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। शुरू में चोर मार्केट सिर्फ शुक्रवार के दिन लगा करता था, लेकिन अब 2 दिन लगता है। आपको यहाँ छोटी सी पिन से लेकर पियानो तक सब कुछ अच्छी रेट में मिल जाएगा। यहाँ काफी भीड़ होती है और हर तरह के लोग अपनी पर्सनल जरूरतों की वजह से यहाँ आते हैं। और तो और, विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ काफी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इस मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे शहर में आपको कोई पुरानी चीज नहीं मिल रही हो तो आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। ज्यादातर यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं जो महंगा ब्रांडेड सामान न खरीदने की वजह से यहाँ का रुख करते हैं। एक रिपोर्टर ने अपनी आप बीती में बताया कि जब वो यहाँ एक शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए गया था तो पुलिस की गाड़ी अचानक वहाँ आ गई, लेकिन तभी दुकान वालों ने कहा, डरो मत भाई, ये तो यहाँ जूते लेने आए हैं। ज्यादातर लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं जिसकी वजह से लोग पुलिस और बीएमसी वालों को पैसा खिला देते हैं। ये लोग दिन के करीब 20 से 25 हजार रुपए कमा लेते हैं। इस चोर बाजार को सीक्रेट बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुंबई की छोटी फैक्ट्रियों से थोक में सामान आता है और यहाँ कम दाम में बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ व्यापारी ब्रांडेड कंपनियों से डिफेक्टिव सामान खरीद लाते हैं और बाद में उन्हें रिपेयर करके यहाँ आधी कीमत में बेचा जाता है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ प्रतिशत सामान यहाँ चोरी का भी होता है, लेकिन साल दर साल इसमें कमी आ रही है। अगर आपको यहाँ के रेट उदाहरण देकर समझाया जाए तो नाइकी का MX 2014 स्पोर्ट्स रनिंग शूज की कीमत जहाँ मार्केट में 8000 रुपए है, वहीं डेढ़ गली में ये करीब 1500 रुपए में मिल जाएगा। जबकि कैट कंपनी का लेदर बूट जिसकी कीमत 4 से 8 हजार रुपए है, वो भी यहाँ करीब 800 रुपए में खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ नए हैं तो ये लोग आपको दिल्ली के पालिका बाजार वालों के जैसे ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। चोर बाजार एक दुकानदार के अनुसार, जब उसका दोस्त एक शख्स गोरेगांव फिल्म सिटी में काम को लेकर गया था तो आधा दिन इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो वो किसी सुपरस्टार का जूता वहां से उठा लाया और इसी चोर बाजार में उसने 500 रुपए में बेच दिया। एक समय इस मार्केट में सिर्फ चोरी का सामान बिकता था, लेकिन वक्त के साथ ये ट्रेंड बदला है। अब यहाँ कई छोटी कंपनीज और मेड इन चाइना सामान भी कम कीमतों पर उपलब्ध है। अन्य सामानों की तुलना में ये जूतों का मार्केट काफी बड़ा है। मार्केट में सैकड़ों की तादाद में व्यापारी सामान बेचने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ 15 से 20 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है। छोटे शहरों के बिजनेसमैन यहाँ से बड़े बड़े पैमाने पर कम कीमत में सामान खरीदने आते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपना एक्सपीरियंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप यहाँ जा चुके हैं। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको भी ऐसे किसी और चोर बाजार की जानकारी है तो वो भी जरूर बताइए। धन्यवाद।